मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस दिन सुबह से ब्लॉग शुरू कर लो हो जाता है, थोड़ा सा भी आलस दिखाया कि एक घंटे बाद करूँगी या दो घंटे बाद करूँगी, तो उस दिन तो रह जाता है, सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। आज मैं सबसे पहले बॉक्स खोल के विंटर के सारे कपड़े निकाल के धूप में रखूँगी, क्योंकि आजकल करते करते ठंड बढ़ने लगी है, धूप भी गायब हो जाएगी। कपड़े तो धोए हुए हैं, सब साफ़ है, लेकिन धूप तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बॉक्स में से निकालो तो एक अजीब सी स्मेल आती है। अभी रजाइयाँ नहीं निकालूंगी क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, अब बहुत सारे कपड़े ढेर हो जाते हैं, फिर रखने का भी दिक्कत होने लगता है। ब्लैंकेट है बाहर में तो उसी से काम चल रहा है, लेकिन जितने भी स्वेटर्स हैं, शॉल है या कुर्तियाँ हैं, वो सब निकाल लूँगी। अपना नाश्ता सारा कुछ करने के बाद काम शुरू करूँ तो धूप निकल जाएगी, इसलिए दोनों काम साथ साथ करने जा रही हूँ। जैसे दाल चढ़ा दिया, कुछ कपड़े निकाल लिए, चावल चढ़ा दिया, फिर दो चार कपड़े निकाल के रखाई धूप में। पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो मैंने अपने लिए रखा है फ्रूट्स, पतिदेव के लिए बनाया है चटपटा सा भुंजा, उनकी पसंद का, मुझे भी काफ़ी पसंद है, ये भी काफ़ी पसंद है, लेकिन मैं शाम को खाती हूँ। हमारे यहाँ भुंजा कहते हैं, जो कि चिवड़े या पोहे से बनाया जाता है, उसको मैं कढ़ाई में भून देती हूँ, और थोड़ा सा मैंने इसमें पापड़ी वगैरह फ्राई करके मिक्स किया है। सर्दियों में जगह जगह पे मूंगफली भून के बेचेंगे, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो चिवड़े को भी रेत में वो लोग भून के रखते हैं, लेकिन हम लोग घर में उतना नहीं कर पाएंगे, इसलिए कढ़ाई में ऐसे ही भून के रखती हूँ। घर से कभी मूँगफली मिक्स कर दिया, या आजकल ग्रीन मटर के दाने आएंगे तो वो भून के डाल दूँगी। कच्चा प्याज, हरी मिर्च और सरसों का तेल मिक्स करके खाएंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और कई तरह की चीज़ें इसमें मिक्स कर सकते हैं, जैसे ग्रीन मटर का सूखा भून के भी रखते हैं, चने को भून के रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो उसमें मिक्स कर दें। थोड़ी देर के लिए इन कपड़ों को धूप में डाला था, अब उठा के लेके आ गई हूँ। पूरा बेड भर गया है, धूप भी चली गई, तो अब रखने का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं था। बारी बारी से मैंने कपड़ों को धूप में डाला, क्योंकि गैलरी में इतनी ज़्यादा जगह है नहीं कि एक बार में सारे कपड़े सूख पाएँ। छत पे कपड़ों को डाल सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ तो इतनी ऊँचाई पर बार बार चढ़ना उतरना मेरे से हो नहीं पाता है। गैलरी में भी शाम तक धूप रहेगी, लेकिन सामने बड़ी बिल्डिंग है तो उसे ढक जाती है। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, बहुत चिपका चिपका के बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, तो धूप और हवा कहाँ से आएगी। मेरे इधर तो फिर भी थोड़ा खुला खुला है, सामने मेन रोड है तो एक दूसरे बिल्डिंग में थोड़ी दूरी बनी हुई है। आप लोगों से बातें करते करते मैंने सभी कपड़ों को फोल्ड कर दिया, क्योंकि बेड पर फैला के नहीं रख सकते, क्योंकि यहीं पे सोना भी है तो शाम को खाना बनाने में लग जाऊंगी, ये काम नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने पहले ही कर लिया। टाइम मिला है बैठने का, अभी शाम हुई नहीं है, लेकिन आजकल जैसे ही धूप जाती है तो चारों तरफ थोड़ी देर के बाद ही अंधेरा सा होने लगता है। मेरे नेल्स भी बड़े हो गए, इसे कट करना था, तो मैं नेल कटर और नेल पेंट्स लेके बैठी हूँ। खाना बनाने का, खाने का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा काम था, मैं भाग भाग के दोनों तरफ काम निपटाने में लगी थी। आप लोगों को लगेगा कि आज कुछ खाना नहीं बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने खाना बनाया, हम लोग खा पी के उसके बाद मैं कपड़े समेटने गई थी। मीशो से एक हेयर ट्रिमर मंगवाया है, आज सुबह में इतना काम था कि इसको खोल के देखा भी नहीं कि ठीक है कि नहीं, चेक करना पड़ता है। पहले वाला मेरा ख़राब हो गया, लेकिन अच्छा खासा चल गया, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, चल नहीं रहा है, तो उसको ठीक करवाने के बजाय एक दूसरा मंगवा लिया, क्योंकि जितना ठीक करवाने में लगा उतने में आ जाता है दूसरा। इसको मैं ओपन करके अभी देख लेती हूँ।
इसे अभी चेक करके देख लेती हूँ, नहीं तो काम काम में भूल जाऊँगी, टाइम निकल जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी तो रिटर्न भी नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझे शायद कोई नई कंपनी है HTC करके, 2 ईयर्स की वारंटी है इस पर, मेंस हेयर ट्रिमर है। इसमें बैटरी लगी हुई है, इसे चार्ज करना पड़ता है। चार तरह के इसमें कॉम्ब दिए हुए हैं और एक ये ब्रश जैसा है छोटा सा, इसका क्या काम है पता नहीं। तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, इस तरह से ये निकल जाता है। अभी नया है, थोड़ा सा जोर लगा के इसको निकालना पड़ रहा है। ये छोटे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस तरह से मैंने सेट कर दिया है और अभी पैक करके ऐसे ही रख दूँगी, जब काम लगेगा तभी निकलेगा। ऐसे बाहर रखने में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ जाती है, फिर सबकी सफाई करती रहो। मैं पैक करके ऐसे ही रख देती हूँ। कल अभी अच्छा चल गया, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, चार्ज करने के बाद भी ये चल नहीं रहा है। न्यू सेल लगा के चार्ज भी कर दिया फिर भी नहीं चल रहा है, तो उसे हटाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, एक काम करने बैठती हूँ बीच में दूसरा आ जाता है। अभी मैं नेल्स कट करने बैठी थी, चेक करना ज़रूरी था। अगर कुछ दिक्कत होती है तो फिर इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। अभी हाथों के नेल्स में पेंट नहीं लगाती, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकल जाता है, फिर आधा आधा रह जाता है। पैरों में सिर्फ लगा रही हूँ। अभी कुछ दिनों से यही वाला नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि ये सूख रहा है। मैंने सोचा चलो लगातार लगा के इसको ख़त्म ही कर देते हैं। मरून कलर का है। अब चाय पीने का टाइम हो गया, तो मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी, उसके बाद रात के खाने की तैयारी होगी। देखते हैं आज रात को क्या सब बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आमले को बॉयल करके रखा था पानी सूखने के लिए। अब पानी सूख चुका है, तो इसमें नमक और हल्दी डाल रही हूँ मैं, थोड़े से मसाले भी डाल दूंगी, अचार बन जाएगा। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं अचार बनाने का, क्योंकि मेरे पास पहले से अचार है। चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आंवला लिया था, लेकिन सब्ज़ी वाले भैया ने मुझे ज़बरदस्ती इतना आंवला दे दिया और ये अब रखे रखे ख़राब हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या करूँ। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताना कि मुरब्बा के अलावा इसका और क्या क्या बना सकते हैं। अभी शाम के 7 बजे, आज मेरा मन हो रहा है सूप बनाने का, तो मेरे पास जो भी सब्जियां हैं वो मैंने निकाल ली हैं, और इसके आगे पीछे के जितने भी डंठल वगैरह हैं, रूट्स हैं, वो सारे निकाल लिए काट के। सूप बनाने में अपनी मनपसंद सब्जियां डालते हैं, जैसे गाजर, ब्रोकली, बीन्स, मटर, ग्रीन अनियन तो ज़रूर डालते हैं, लेकिन अभी मेरे पास यही सारी सब्जियाँ थी। अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो आज बना के देखते हैं सूप। इसका स्टॉक बना के रखूँगी सूप में डालने के लिए। 1.5 से 2 लीटर पानी में इन सब्जियों को डाल के धीमी आंच पे पकाना है, जब तक कि 1 गिलास पानी बच जाए। सब्जियों को इतनी देर तक पकाने का मतलब यही है कि इनके एक्स्ट्रैक्ट पानी में आ जाए। पत्तियाँ तो इसमें कम डालते, मैंने YouTube पे ही देखा था। सब्जियों के रूट्स, ब्रांच और आगे पीछे के पार्ट जो काट के हम फेंक देते हैं ना, वही सारा डालते हैं इसमें, लेकिन मुझे पहले याद नहीं था तो मैंने फेंक दिया सब। अब गैस को स्लो करके आधे घंटे तक पकाना है, ताकि सारे विटामिन मिनरल्स पानी में आ जाएं। अब सूप के लिए सब्जियों की कटिंग चॉपिंग करनी है, तो इस तरह से मैंने किया है, जितना बारीक कर सकते हैं उतना अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, पालक, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को काट के रखा है। कढ़ाई में 1 चम्मच से भी कम बटर डाला है, उसमें अदरक लहसुन को भून लेंगे, नहीं तो कच्चा कच्चा सा लगेगा।
उसके बाद प्याज और सारी सब्जियों को भी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सौटे करना है, उसको भूनना नहीं है अच्छे से, सिर्फ उसका कच्चापन हट जाए, सब्जियों को गलाएंगे नहीं, उसका क्रंच बना रहेगा तो सूप अच्छा लगता है। आधे घंटे के करीब हो गए हैं तो इसका पानी छान के मैं सूप में डाल दूंगी। अब डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक और इसके बाद मैंने काली मिर्च को थोड़ा सा कूट लिया है और इसको भी डाल दूंगी। इसे गाढ़ा करने के लिए कई लोग अरारोट, कॉर्न स्टार्च, आलू भी डालते हैं, लेकिन हम ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ी देर में हमारा गर्मा गर्म सूप बन के तैयार हो जाएगा। जैसे ही मौसम बदलता है तो हम सूप बनाते हैं, खासकर सर्दियों में सूप बना के ज़रूर पीते हैं, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अभी मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है सूप में, इससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। तो आइए गर्मा गर्म सूप का आनंद उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।